हेलो एवरीवन, मैं हूँ पम्पी। आज मैं आप लोगों का बताने जा रही हूँ ESG इन्वेस्टिंग विद अल्फा एंड बेटा कंपनीज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ESG के बारे में। बेसिकली ESG में 3 कोर एरियाज इन्वॉल्व हैं, एनवायरमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नेंस। तो एनवायरमेंट पे इन्वॉल्व है पॉल्यूशन प्रिवेंशन, एनवायरमेंटल ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में सोशल एम्प्लॉयज एंड सोशल सिटीजन इन्वॉल्व है। एंड सोशल एम्प्लॉयज में कंपेंसेशन एंड सेटिस्फेक्शन, डाइवर्सिटी एंड राइट्स, एजुकेशन एंड वर्क कंडीशन इन्वॉल्व है। एंड सोशल सिटीजन्स में कम्युनिटी एंड चैरिटी, ह्यूमन राइट्स एंड सस्टेनेबिलिटी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। एंड गवर्नमेंट्स में देखा जाए तो यहाँ पे बोर्ड इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट एथिक्स, डिस्क्लोजर एंड अकाउंटेबिलिटी इन्वॉल्व है। तो चलिए अभी देखते हैं व्हाई इज देयर सो मच फोकस ऑन ESG नाउ। आजकल ESG पे क्यों ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? तो फंड हाउस सेज दैट मॉडर्न इन्वेस्टर्स आर रीवैल्यूएटिंग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस एंड व्हेन दे इन्वेस्ट दे लुक एट द इम्पैक्ट इट इज़ हैविंग ऑन द प्लैनेट एज ए होल। तो आजकल जो मॉडर्न इन्वेस्टर है वो अपने अप्रोच है जो इन्वेस्टमेंट का वो बदलने जा रहा है। एंड ESG सीन्स इज फोर्सिंग कॉरपोरेशन, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड असेट्स मैनेजर टू रियलाइज द इन्वेस्टर्स आर नो लॉन्गर ओनली वरिड अबाउट रिटर्न्स। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे चाहते हैं कि कंपनी और कॉरपोरेट जो है फाइनेंशियल पैरामीटर पे ज़्यादा ध्यान ना दे, बाकी के एक्सपेक्टेशन पे भी ध्यान देना जरूरी है। एज ए रिजल्ट असेट मैनेजर हैव स्विफ्टली स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग ESG फैक्टर्स इनटू द इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस। तो चलिए अभी देखते हैं अल्फा एंड बीटा के बारे में। तो अल्फा एंड बीटा दो डिफरेंट पार्ट ऑफ इक्वेशन है जो यूज करते हैं एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट फंड। स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट फंड की जो परफॉर्मेंस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अल्फा एंड बीटा को यूज़ करते हैं। बीटा इज़ अ मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी रिलेटिव टू बेंचमार्क एंड अल्फा इज़ द एक्सेस रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट आफ्टर एडजस्टिंग फॉर मार्केट रिलेटेड वॉलेटिलिटी एंड रेंडम फ्लक्चुएशंस। अल्फा एंड बीटा आर बोथ मेजर्स यूज्ड टू कंपेयर एंड प्रेडिक्ट रिटर्न। जो अल्फा एंड बीटा दोनों को यूज़ करते हैं स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन के लिए एंड उन लोगों का रिटर्न को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं स्टेटस ऑफ ESG एट प्रेजेंट। ESG का प्रेजेंट स्टेटस क्या है? ग्लोबली ESG इज गेटिंग बिगर विथ ईच पासिंग ईयर। तो एवरी ईयर ESG बढ़ते जा रहा है। देयर आर ओवर 3,300 ESG fund globally and the number has tripled over the last decade. तो 3,300 ESG globally fund मिलता है। The value of global assets applying ESG for investment decision today stand at 40.5 trillion US dollar. तो इतना ही है ESG इन्वेस्टिंग विथ अल्फा एंड बीटा के बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।